आज ठंडीनी छे अने देशभरमां आ वखते ठंडीनुं जोर रहेशे तेम हवामान निष्णात पण जणावी रह्या छे। जो कि आ वखते अयोध्यामां शियाळानी मौसम कंईक अलग हशे, कारण कि आ वखते रामलला मंदिरमां बिराजमान थया पछीनी पहेली ठंडीनी ऋतु छे अने राम मंदिरमां आस्था धरावता श्रद्धाळुओमां रामललाना शियाळाना विशेष वागाए आकर्षण जमाव्युं छे। દેશભરમાં પડશે હાડથી જવતી ઠંડી, ઠંડા પવનો ફૂંકાશે, હિમ વર્ષા થશે, ત્યારે અયોધ્યામાં શિયાળા માટે ખાસ તૈયારી। રામલલા જ્યારથી નિજ મંદિરમાં બિરાજમાન થયા છે ત્યારથી અયોધ્યાનો દરેક દિવસ ખાસ છે। દરેક મોસમનો મિજાજ રામમય છે અને એ જ રીતે આ વખતે ઠંડીની તૈયારીઓ પણ ભગવાન શ્રી રામ માટે સવિશેષ છે। રાજકુમારને છાજે એવા શિયાળાના વસ્ત્રો તૈયાર, ઠંડી પડતા જ ગરમ વસ્ત્રોમાં સજ્જ થશે શ્રી રામ। પાંચમ એટલે કે 20મી નવેમ્બરથી શ્રી રામ લલાને ઓઢાડાશે રજાઈ, અને એના માટે કોઈ રાજાને શોભે એવા વાઘા તૈયાર કરાયા છે। પ્રભુ શ્રી રામને લદ્દાખની પશ્મીના શાલ અને ઉત્તરાખંડના વુલન વસ્ત્રો ઓઢાડાશે। ડિઝાઇનર મનીષ ત્રિપાઠીને રામલલાના કપડાં તૈયાર કરવાની જવાબદારી અને તેમના જણાવ્યા અનુસાર ભગવાન પ્રભુ શ્રી રામ લલા સરકાર જો હે વો એક પંચ વર્ષ એક પાંચ વર્ષ કે બાલક હે, મર્યાદા પુરુષોત્તમ હે, राजा दशरथ के पुत्र हैं, तो स्वाभाविक है कि उनके जो पोशाक हैं उसमें वो भव्यता और वो एक तरीके से ग्रैंडनेस है वो होनी चाहिए, क्योंकि युवराज हैं। साथ ही साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भी हैं, तो उनकी पोशाक में वो जो एक शालीनता है, जो एक एक जो एक ग्रेविटी है, जो कह सकते हैं एक जो एक एक सिंप्लिसिटी है, वो भी होनी बहुत ज़रूरी है, तो उसका भी हम लोग विशेष रूप से ध्यान रखते हैं। बच्चे हैं तो अगर हम और आप ठंड में दो लेयर पहनते हैं तो भगवान तीन लेयर पहनेंगे, क्योंकि वो बालक हैं, तो इन सभी चीजों का पूरा विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। त्यारे अयोध्या राम मंदिर ने शोभे एवी भव्यता अने नवीनता आ वस्त्रों मां जोवा मळशे। राम ने सदेहे भजनारा अनेक आस्थाळुओं माटे आ एक दिव्य क्षण जरूर बनीने रहेशे। अयोध्या में भव्य मंदिर में श्री राम राजकुमार के तौर पर विद्यमान हैं और उनके राजसी ठाट बाट का पूरा ख्याल रखा जाता है। जैसे जैसे मौसम बदलता है उनका खाना पीना बदल जाता है, उनके कपड़े भी बदल जाते हैं, और अब अगहन की पंचमी यानी 20 नवंबर के आसपास प्रभु श्री राम की जो ड्रेसेस हैं वो अब गर्म कपड़े हो जाएंगे, यानी कि प्रभु श्री राम अब रजाई ओढ़ेंगे, पश्मीना शॉल धारण करेंगे। पूरी जो तैयारी है वो इस वक्त की जा रही है। मनीष त्रिपाठी जो कि खास तौर पर श्री राम प्रभु की ड्रेसेस को डिज़ाइन करते हैं पूरी तरीके से तैयारी में लगे हैं। आप देखेंगे कि जो ड्रेसेस की डिज़ाइन है उनको भी यहाँ किया जा रहा है, जो डिज़ाइनिंग कपड़े हैं डिज़ाइनर कपड़े हैं उनकी पूरी डिज़ाइन की जा रही है। ये जो आप कपड़ा देख रहे हैं ये प्रभु श्री राम के जो अंग वस्त्र हैं वो इसी सोने के कपड़े से बनेगा। ये जो कपड़ा है ये सोने का बना हुआ है, और ये जो तार आप देख रहे हैं ये भी सोने का तार है। सोने के तारों से ही इस सोने के कपड़े की सिलाई की जाएगी, और खास तौर से खास अवसर खास पर्व के लिए जो है वो श्री राम प्रभु की ड्रेस को डिजाइन किया जाएगा। मनीष त्रिपाठी बाकायदा ये जो ड्रेसेस कि जो डिज़ाइन है उनको तैयार करेंगे। ये जो आप डिज़ाइन देखेंगे यही डिज़ाइन के जो अंगवस्त्र हैं वो प्रभु श्री राम पहनेंगे, और ये जो डिज़ाइन हो रहे हैं वो खास तौर से सर्दी के कपड़ों के लिए डिज़ाइनों को तैयार किया जा रहा है। प्रभु श्री राम उनको अब नहलाया भी गुनगुने पानी से जाएगा, जो उनके खाने के व्यंजन हैं वो भी अब ठंडे की बजाय गर्म होंगे, और जो कपड़े हैं वो खास तौर से अब गर्म कपड़े पहनाए जाएंगे, पश्मीना शॉल धारण करेंगे, और तमाम जो तैयारियां हैं जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाएगी उनके कपड़े भी उसी तरीके से बदले जाएंगे। तो फिलहाल पूरी तैयारी जो डिज़ाइनर मनीष त्रिपाठी हैं वो कर रहे हैं श्री राम प्रभु के खास गर्म कपड़े तैयार करने के लिए। कैमरामैन खुर्शीद के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।